लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यदि एक है ना इसमें, तो फिर चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट में हमें सिखाया जाता है कि टेक केयर में ओसीडा आके कैलेंडर चेक कर रहा होता है, और कैलेंडर चेक करने के बाद ओसीडा सब बच्चों के सामने अपने हाथ आगे करता है, और तभी कटर वो आके उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और ओसीडा बोलता है मैंने तुम्हारा हाथ नहीं मंगा था। फिर वो सभी बच्चों को बोलता है कि तुम लोगों के मम्मी ने मेरे लिए क्या कुछ भेजा है। उसके बाद ताका बोलता है कि नहीं मेरी मम्मी ने तो कुछ नहीं भेजा, और उसके पीछे पीछे सभी बच्चे बोलना शुरू करते हैं कि मेरे भी नहीं, और कुछ बच्चों ने नहीं नहीं। फिर हम लोगों को कैलेंडर दिखाया जाता है, और वहाँ दिखाया जाता है कि आज वैलेंटाइन डे है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ सब लड़के और लड़कियाँ बातें कर रहे होते हैं किसको कौन कम गिफ्ट देने वाला है वैलेंटाइन डे में, और वहाँ एक यूपी चैनल नाम की एक लड़की होती है, उसको सब लड़कियाँ पूछती है क्या तुम किसको गिफ्ट देने वाली हो, तभी वो ब्लश करने लग जाते हैं, और आप लोग समझते ही हैं कि वो ब्लश कर रही होती है। फिर सभी लोग वहाँ ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनोमाटा सब लोगों को बोलती है तुम लोगों में कोई भी स्कूल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जो जो भी स्कूल रूल फॉलो नहीं कर रहा है वो बाथरूम से बड़ा हो जाओ, और तभी सभी लोग इनोमाटा के ऊपर से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी हमें योगिकुन दिखाया जाता है, और जिसको बहुत सारे लड़कियों ने उसे चॉकलेट दिया होता है, और वो इनोमाटा के पास आके बोलता है कि मैं भी बेबी सीटर बनना चाहता हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बेबी सीटर बनने में, और ये बात सुन के इनोमाटा वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ बहुत लड़कियाँ योगाकुन से मिलने आती हैं और बोलते हैं तुम क्या सच में बेबी सीटर बनने में इंटरेस्टेड हो। तभी योगाकुन बोलता है कि हाँ, क्योंकि बेबीज बहुत क्यूट होते हैं। फिर क्लासरूम से बाहर हमें इनोमाटा दिखाई जाती है, फिर तभी वहाँ पे इनोमाटा रुक जाती है और सोचने लगती है कि सभी लोग आज के दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं और मुझे सब लोग हेट करते हैं। फिर वो उन सभी बेबीज़ को सोच के बोलती है कि मुझे सब बच्चे भी हेट करते हैं, मैं बेबी सीटर बनने के लायक ही नहीं हूँ। तभी वो रोते हुए बोलती है कि छोड़ो ये सब, मुझे हमेशा पढ़ाई अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाई ध्यान से करूँगी अब से। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें वहाँ टेक केयर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यागीकुन आया होता है बेबी सीटर बनने के लिए। आशिमा ये बात सुन के बहुत घबरा जाता है, और वो पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ बेबी सीटर बनने वाले हो, क्योंकि तुम बहुत हॉट हो, इधर सब लड़कियाँ तुम्हें पसंद करती है, यानी कि तुम बहुत सब लड़की को क्रश। फिर वो यागीकुन के साथ सब लोगों का पहचान करवाता है, यागीकुन सब लोगों को बोलता है मैं यागीकुन हूँ। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या यागीकुन चिल्ड्रंस पसंद है, बहुत झूठ बोल रहा है, और वहाँ पास ही में इनोमाटा बैठी हुई होती है। फिर वो सब लोग बोलते हैं कि यागीकुन फिर चिल्ड्रंस को कुछ करने तो नहीं वाला, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार चिल्ड्रंस के साथ देखा भी है। सभी बातें सुन के इनोमाटा परेशान हो जाती है, और वो घबरा के वहाँ से चली जाती है, और इनोमाटा दौड़ के टेक केयर में आती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि नीचे खून गिर रहा होता है, और इनोमाटा वहाँ आके देखती है कि वहाँ ब्लड गिरा हुआ है, और तभी वो देखती है कि ये यागीकुन का नोज का ब्लड है। फिर वहाँ यागीकुन का एक फ्रेंड नाजुके आ जाता है, और वो वहाँ चॉकलेट के बात करता है। चॉकलेट की बात सुन कर सभी बच्चे चॉकलेट खाने की जिद कर देने लग जाते हैं चाको, और तभी ताका इनोमाटा के सामने आ जाता है, और उसके पीछे पीछे बहुत बच्चे भी आ जाते हैं, और सब बच्चे बोलने लग जाते हैं कि इनोमाटा हमें चॉकलेट दिलाओ। फिर इनोमाटा उन लोगों पे गुस्सा हो जाती है वो स्कूल के बारे में सोच के, और बोलती है नहीं यार चॉकलेट नहीं दूंगी मैं तुम्हें, और तभी सभी बच्चे ये बात सुन के रोने लग जाते हैं। और ये सब देख के इनोमाटा उन लोगों को बोलते हैं अगर तुम लोग कल तक वेट करते हो तो मैं तुम लोगों को डिलीशियस चॉकलेट ला के दूंगी, और ये बात सुन के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, काशिमा इनोमाटा को बोल रहा होता है सॉरी आज मेरे साथ ही तुम्हें पूरा दिन बिताना पड़ा। फिर काशिमा इनोमाटा को थोड़ा रुकने के लिए वो एक दुकान के अंदर चला जाता है। फिर काशिमा उस दुकान से एक चॉकलेट का डिब्बा खरीद के चला जाता है, और उस चॉकलेट के डिब्बे को काशिमा इनोमाटा को दे देता है। फिर काशिमा वहाँ से चला जाता है, काशिमा के जाते ही इनोमाटा बहुत शर्माने लग जाती है। फिर हमें चेयर वुमन का घर दिखाया जाता है, वहाँ चेयर वुमन ने काशिमा और उसके भाई कटारो के लिए खुद अपने हाथों से चॉकलेट बनाया होता है, और यहाँ पे बहुत क्यूट सा सीन होता है। ये कटारो अपने हाथों से उसके बड़े भाई को एक चॉकलेट खिलाता है।
फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में सभी लोग ठंड में प्लेग्राउंड में खड़े हुए होते हैं। वहाँ सभी लोग ठंड में जम रहे होते हैं। फिर वहाँ ओशिडा सभी बच्चों को लेकर चले जाता है। फिर सभी बच्चे कासिमा के पास चले जाते हैं। सभी बच्चे उसके पास आने से वो सोचते हैं इट्स सो वार्म। फिर कासिमा को उसके क्लासमेट देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम छोटे बच्चों के सहारे गड़े में हो रहे हो, हमें भी एक दो बच्चे दे दो। वो लोग बहुत स्टिकी लग रहे होते हैं इस बात को लेकर। फिर वो लोग बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। फिर ओशिडा देखता है वहाँ ताकुमा नाम का एक बच्चा नहीं होता और उस बच्चे को एक आदमी पकड़ लिया होता है। उसे देख कर कासिमा उस आदमी के पास भागे जा रहा होता है ताकुमा को लेने के लिए। लेकिन कासिमा पहुँचता उसके पहले ही कामिता ने मतलब ताका का बड़ा भाई जूते फेंक के उसे मारता है और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। फिर कासिमा उस आदमी को देख के उस बच्चे को पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। फिर वो बच्चा बोलता है हाँ हाँ ये मेरे पापा है। फिर हमें स्कूल के बाद टेक केयर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ वही आदमी होता है और वो बोलता है मैं ताकुमा एंड काजुमा का फादर मतलब पापा हूँ, मैं मिमीजू का कासुके हूँ। फिर ये बात सुन के सभी लोग उसको पूछते हैं तो आप वहाँ वैसे सनग्लास और वो सब पहन के खड़े क्यों हुए थे। फिर ओशिडा उन सभी लोगों को बोलता है कि ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये तो बहुत बड़ा टीथ का भी ऐड कर चुका है, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा इसको। फिर कासिमा उनको सॉरी कहने लगता है। फिर मिजू भी बोलने लगता है कि वो लोग मुझे कभी फादर नहीं करते, इसलिए मैं आज का दिन उन लोगों के साथ बिताना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ गया था। और ये बात बोल के वो रोने लग जाता है। फिर कासिमा कहता है ऐसी बात नहीं है, वो दोनों आपको पहचानते नहीं ना, इसलिए आपके साथ ऐसा करते हैं। फिर कासिमा कहता है मैं आपके साथ उन लोगों को खिलवा के ही रहूँगा आज। फिर वो आदमी खुश हो जाता है। फिर वो आदमी काजुमा और ताकुमा को हाथ में लेके कहने लगता है कि काजुमा ताकुमा तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। फिर काजुमा वहाँ रोने लग जाता है और मिजुकी वहाँ से उठ के चले जाता है, मतलब दुख में उठ के चला जाता है। फिर काजुमा बोलता है मिजुकी तुम यहाँ से मत जाओ, तुम इन लोगों के साथ सारा दिन स्पेंड करो, हो सकता है ये तुमको अपना फादर मान ले, मैं तुमको इसमें हेल्प करूँगा। और तभी सभी बच्चे मिजुकी को देख के बोलते हैं खेलो खेलो, और मिजुकी ये बात सुन के वो रोने लग जाता है, वो किसी के आंसू रो रोता है। फिर मिजुकी उनके साथ खेलने लग जाता है। फिर भी मिजुकी कुछ ना कुछ गलत कर देता है और वो रुला देता है बच्चे को और फिर वो गिवअप कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर जाते हुए मिजुकी एक लड़की से टकरा जाता है और मिजुकी को देख के वो लड़की पहचान लेती है और बोलती है ये तो फेमस एक्टर है, और ये बात बहुत जोर से बोल देती है और वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वहीं पे मिजुकी के दोनों बच्चे दूर से उसको पापा कह के पुकारते हैं पापा, और मामा जुकी ये बोल के दौड़ने लग जाता है काजुमा ताकुमा ने मुझे पापा कह के पुकारा। फिर वहाँ पे उमीजन नाम की एक टीचर आके उसको बचा लेती है और वो टीचर और कोई नहीं उसकी वॉइस ही होती है। फिर काजुमा ताकुमा रोते हुए बोलते हैं पापा हमारे साथ खेलो ना। फिर मामा जाके भी रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खेलूँगा ज़रूर। और यहाँ पे एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ना भूले, क्योंकि अगला एपिसोड अगले दिन फिर से आएगा, उसको देखने के लिए ऑल पे सेट करना ना भूले नोटिफिकेशन बेल को। ओके बाय।